गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल इन योर मैथ्स क्लास। टुडे वी विल डू अगेन चैप्टर 13 मनी। टुडे वी विल डू प्रैक्टिस जोन 5 ऑफ चैप्टर 13। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 14 ऑरेंजेस। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 14 ऑरेंजेस If one orange costs 3 rupees and 50 paise। अब वो कह रहा है कि one orange की cost कितनी है? 3 rupees 50 paise। What will be the price of 14 orange? तो 14 orange का price कितना होगा? If the cost of one item is given, if the cost of one item is given, we are required to find the cost of more than one item। और यहां हमें क्या करना है? We are required to find the cost of more than one item। तो हम क्या करना होगा? यहाँ हमारी वन ऑरेंज की कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए, जब वन आइटम की कॉस्ट होगी और वन आइटम की कॉस्ट ऑलरेडी दे रखी है और हमें ज़्यादा की फाइंड करनी है, ज़्यादा आइटम्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो जब वन की ऑलरेडी दी हुई है, ज़्यादा की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी और वो हमारा क्या करने पर आएगा? मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर आएगा। तो हमेशा याद रखना, जब आपकी वन आइटम की कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है और हमें ज़्यादा आइटम की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी विल राइट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज, वन ऑरेंज, कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज 33 rupees and 50 paise। तो 3 rupees and 50 paise को और हम कैसे राइट कर सकते हैं? यहाँ हमने सबसे पहले रुपीज का सिंबल राइट किया, 3 rupees। अब हम 3 के बाद पॉइंट राइट करेंगे, पॉइंट पुट किया और हमने यहाँ पर क्या लिखा? 50। तो इसका मीन्स भी क्या होगा? 3 rupees and 50 paise, यानी कि पॉइंट के बाद आपके पैसे हैं और पॉइंट से पहले आपके रुपीज हैं। तो कैसे लिख सकते हैं हम 3 rupees and 50 paise को? 3.50। तो इसका मीन्स भी क्या होगा? 3 rupees 50 paise। कॉस्ट ऑफ 14 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 3 rupees 50 paise मल्टीप्लाई बाय 14। ऑरेंजेस की कॉस्ट क्या होगी? 3 rupees 50 paise मल्टीप्लाई बाय 14। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 14। 4 0 0, 4 5 20, 2 carry, 4 3 12, 12 plus 2 40। अब हमें यहाँ जो पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर राइट नहीं करना है, पॉइंट यहाँ पर पुट नहीं करना है। मैं अभी बताऊंगी कहाँ पर आपको पॉइंट लगाना है। अब हमें सेकेंड डिजिट से यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करना है सभी डिजिट्स को। तो पहले हम 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1 10। तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10। तो हम फर्स्ट डिजिट के नीचे, जो फर्स्ट डिजिट है उसके नीचे 0 राइट करेंगे। उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 0 0, 15 5, 13 3, 10 मल्टीप्लाई 0 0, 15 5, 13 3। नाउ वी विल ऐड। अब हमें इसे क्या करना है?
इक्वल टू 4। अब हमने दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर होगा, अब उसमें हमें यहाँ पॉइंट लगाना है। कितनी डिजिट बाद पॉइंट लगेगा? अब हमें ऊपर वाली डिजिट काउंट करनी है, 1 2। कितनी डिजिट बाद पॉइंट है? 2 डिजिट बाद पॉइंट है। तो हमें यहाँ भी राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करनी है, 1 2 1 2 डिजिट से पहले हमें यहाँ पर पॉइंट पुट करना है। तो क्या हुआ हमारा आंसर? 40, 0 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो कितने हुए? 49 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 14 ऑरेंजेस इज 49 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 14 oranges is 49 rupees। तो कितनी कॉस्ट है 14 ऑरेंज की? 49 रुपीज। तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी थी? 3 रुपीज 50 पैसे। और 14 oranges की कॉस्ट कितनी होगी? 49 रुपीज। इट इज क्लियर? नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। दी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, दी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज 42 रुपीज। 1 मीटर वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 42 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 27 मीटर लॉन्ग वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 27 मीटर लॉन्ग वायर। तो हमें 1 मीटर की कॉस्ट 42 रुपीज है वायर की, और 27 मीटर लॉन्ग वायर की कॉस्ट कितनी होगी? तो इसको भी आप क्या करना है? मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट ऑलरेडी दे रखी है, 27 मीटर वायर की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी हमें जब 1 की कॉस्ट दी हुई है ऑलरेडी और 27 मीटर लॉन्ग वायर की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। द कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, 1 मीटर वायर इज इक्वल टू 42 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर 42 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 27 मीटर वायर इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाय 27। तो 1 मीटर वायर की कॉस्ट 42 रुपीज, तो 27 मीटर वायर की कॉस्ट क्या होगी? तो 42 मल्टीप्लाई 27। तो नाउ वी विल मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 29। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 20। तो फर्स्ट डिजिट के नीचे हम 0 राइट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 6, 2 4 जा 8। Now we will add 4 plus 0, 4, 9 plus 4, 13, 1 carry, 2 plus 1, 3, 3 plus 8, 11। तो कितनी होगी? 1134 रुपीज। तो 27 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी होगी? 1134 रुपीज। तो The cost of 27 meter
long wire. Wire is 1134 rupees. The cost of 27 meter long wire is 1134 rupees. अब इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 3 and 4. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? The cost of one box is 450 rupees. One box की कॉस्ट कितनी है? 450 rupees. Find the 12 such boxes. तो 12 boxes की कॉस्ट कितनी होगी? तो ये भी हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई. ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 टेबल कवर्स. अब हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 टेबल कवर्स. इफ वन टेबल कवर कॉस्ट इज 150 रुपीज. वन टेबल कवर की कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है और 24 टेबल कवर की कवर्स की आपको कॉस्ट फाइंड करनी है. तो क्वेश्चन नंबर 3 and 4, दिस इज योर होमवर्क. दोनों ही क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? मल्टीप्लाई करने हैं. तो ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है. वी विल स्टार्ट नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन. प्रैक्टिस जोन 6. द कॉस्ट ऑफ 17 पेंस इज 85 रुपीज. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. लास्ट प्रैक्टिस जोन 5 में अपने ने क्या दिया हुआ था? 1 आइटम की कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई थी और हमें ज्यादा आइटम की कॉस्ट फाइंड कर दी थी. जब हमें 1 आइटम की कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है और ज्यादा आइटम की कॉस्ट फाइंड करनी है तो हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई. अब हमारी यहाँ 17 पेन्स की कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है और हमें 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है. 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? इफ द कॉस्ट ऑफ मैनी आइटम्स इज गिवन. मैनी आइटम्स इज गिवन एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 आइटम. वी डिवाइड द कॉस्ट ऑफ मैनी आइटम्स बाय द नंबर ऑफ आइटम्स. तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. क्या करना है हमें? डिवाइड करना है. तो नाउ वी विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 17 पेंस. 17 पेंस इज इक्वल टू कितनी है 17 पेंस की कॉस्ट? 85 रुपीज. कॉस्ट ऑफ 1 पेन. अब हमें 17 पेंस की ऑलरेडी कॉस्ट दी हुई है और हमें किसे फाइंड करना है? 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है. तो 1 पेन की कॉस्ट 17 पेन की कॉस्ट 85 है तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? डिवाइड. याद कर रखना है आपको, जब हमारी ज्यादा आइटम की कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है और हमें 1 आइटम की कॉस्ट फाइंड करनी है तो हमें डिवाइड करना है. याद रखना है, अच्छे से लर्न रखना है. जब हमारे 1 आइटम की कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है और हमें ज्यादा की फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. लेकिन जब हमारे ज्यादा आइटम की कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है और हमें सिर्फ 1 आइटम की कॉस्ट फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड. तो करते हैं. कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी? 85 डिवाइड बाय 17. 85 डिवाइड बाय 17. तो हमें 85 को 17 से डिवाइड करना है. जो ऑलरेडी कॉस्ट हमारी 85 है और जितने आइटम हैं, कितने हैं? 17 पेन्स हैं, उन
से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो नाउ वी विल डिवाइड 85 डिवाइड बाय 17। 17 का टेबल आपको कितने टाइम रीड करना है? 5 टाइम्स। 17 5 जा 85। तो रिमाइंडर क्या हुआ? 0। तो क्या होगी कॉस्ट ऑफ 1 pen is 5 rupees। कॉस्ट ऑफ 1 pen is 5 rupees। तो 1 pen की कॉस्ट क्या होगी आपकी? 5 rupees। तो 1 pen कितने का होगा? 5 rupees का होगा। इट इज क्लियर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 apple। 1 apple की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। इफ द कॉस्ट ऑफ 42 apples इज 42 apples की कॉस्ट कितनी है? 882 rupees। 882 rupees। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द स्टेटमेंट। Apples is equal to 882 rupees। Cost of 1 apple, 882 divided by 42। तो इसको भी हमें डिवाइड करना है। 1 apple की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो 882 डिवाइड बाय 42 टू जा 84। तो यहाँ हम डिवाइड मल्टीप्लाई करके देते हैं, या फिर टेबल मैंने अभी अपने जब अपने डिवाइड वाले क्वेश्चंस किए थे तो अपने टेबल राइट करना सिखाया था आपको। 42 तो 42 2 जा 4 4 जा 2 2 जा 4 4 2 4 जा 8। तो 42 42 2 जा 84। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। 8 माइनस 8 0। तो यहाँ से क्या राइट किया? 2। 41 1 जा 42 1 जा 42 0। तो द कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इज 21 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 apple इज 21 रुपीज। तो 1 apple की कॉस्ट कितनी होगी? 21 रुपीज। इट इज क्लियर। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ये दोनों क्वेश्चंस इसी टाइप से करने हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? दी प्राइस ऑफ 5 लीटर ऑफ ऑयल इज, जो 5 लीटर ऑयल का प्राइस कितना है? 240 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑयल? तो 1 लीटर ऑयल का प्राइस क्या होगा? जब ऑलरेडी आपको 5 लीटर ऑयल का प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, 1 लीटर का फाइंड करना है, तो ये भी आपको डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ? 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस आपको फाइंड करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर क्लॉथ इज 378 रुपीज। तो आपको 15 मीटर क्लॉथ की आपको प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, 1 का आपको फाइंड करना है, तो ये भी आपको डिवाइड करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, दिस इज योर होमवर्क। आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रैक्टिस जोन 5 एंड 6 वेरी वेल।
थैंक यू।